हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फोर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार अब इन्वेस्ट फोर एवर हो गया है और अगर हम बात करें आज की वीडियो की तो आज की वीडियो का टॉपिक है एफएल इंडिया आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एफएल एफएल इंडिया में किस तरीके से आज लोअर सर्किट रह गया है क्या रीज़न है इसके पीछे और क्या uh, हमें निकल जाना चाहिए या एक अपॉर्चुनिटी हमें क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है उस चीज़ से रिलेटेड हम बातें करेंगे बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ एज वेल एज दूसरे लोगों को कनेक्ट करें हमारे चैनल के साथ ताकि वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज ले सके और फिर नॉलेज लेने लेने के बाद अगर स्टॉक मार्केट में आएंगे तो काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमें मिलती रहती है अगर बात करें कल की डेट की तो कल की डेट में यहाँ पर अगर हम बात करें आज की डेट में मार्केट काफ़ी गिरा हुआ था ओके बावजूद इसके हमारी अगर हम बात करें पॉली मेडिकी और यहाँ पर सब घबरा रहे थे कल ऑलरेडी मैंने कह दिया था कि एक अपॉर्चुनिटी है खरीदने की

अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 60 परसेंट तक शेयर दिए थे फिर तैतीस पर परसेंट तक ये शेयर गिर चुका है तो इस चीज को भी हमें देखना होगा ओके अगर हम यहाँ पर बात करते हैं और भी कुछ चीजों की मैक्सिम चार्ट पैटर्न जब से आई लिस्ट हुआ है यहाँ पर मार्केट में ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया है काफी बेहतरीन रिजल्ट इसने रिटर्न दे हुए नजर आए हैं यहाँ पर और इनके रिजल्ट भी काफी बेहतरीन हैं। ओके आ, और अगर हम बात करते तो जून सौ में, तो में, कि में रुपए पे यहाँ पर शेयर आता हुआ दिखाई दिया था और फिफ्टी टू वी की बात करें बासठ सौ पिचासी रुपए पर और भी कुछ चीजें अगर हम देखें तो इनकी कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह देना था तो उसी चीज से रिलेटेड थी क्वेश्चन आंसरिंग तो एक बार आ, इनकी बीएससी की साइड पर जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं तो आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा रिजल्ट ऑलरेडी इनके डिक्लेयर हो चुके हैं और 62 परसेंट शेयर यहाँ पर प्रोमोटर्स कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है अब शेयर गिरा क्यों है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे कि शेयर क्या गिरता रहेगा क्या हमें एग्जिट कर देना चाहिए इस चीज से रिलेटेड अगर बात करें यहाँ पर देखिए एफ एल इंडिया गेट विच इन्वेस्टर मोर देन फाइव हंड्रेड परसेंट रिटर्न सिंस इट्स आईपीओ मतलब आईपीओ दो हजार उन्नीस में आता है सबसे पांच सौ रिटर्न दे चुका है एंड न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक विच एजॉय मास इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड एंजॉय ट्रेडिंग मतलब ये आपको पता ही है किस सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है बट हेयर इज द फर्स्ट डाउनग्रेड ऑन द स्टॉक इन विच कट्स इट्स बाइंग रेटिंग तो अगर बात करें नमोरा एक एजेंसी uh, फॉर्म से जो कि आपको रेटिंग देती हुई नजर आती है डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स की तो इनकी जो रेटिंग है वो चेंज होती न, होती रहती है कभी ये अपग्रेड कर देते हैं कभी डाउनग्रेड कर देते हैं और इस चीज से ओके okay, थोड़ा बहुत अगर पर, पर फर्क पड़ सकता है बट ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ सकता और ऐसा भी नहीं है कि ये भगवान है कि इन्होंने कह दिया तो वो ही होता हुआ नजर आएगा ये बहुत सारी रेटिंग कोई ए दे देता है तो कोई भी कोई सी दे देता है उसी स्टॉक को तो इट मैटर एट ऑल बट हमें देखना पड़ता है बस और कुछ बात नहीं है बाकी यहाँ पर अगर बात करें इनके कॉम्पिटिटर जैसे कि इसने इस आर्टिकल में बता रखे है कि एप्पल गूगल जैसे इनके ऑपरेटर्स पर uh, competitor भी है क्योंकि ये जिस सेगमेंट में काम करता है आपको पता ही है uh, और इस और भी जान लेंगे इससे रिलेटेड तो इसी चीज से रिलेटेड बाकी यहाँ पर इस कंपनी के की फ्यूचर ग्रोथ कुछ सामने नजर नहीं आ रहा पैट कुछ खास नहीं है इस से रिलेटेड यहाँ पर बातें कर रखी है इस आर्टिकल को एक बार गूगल पे जाके आप पढ़ लीजिएगा तो चल जाएगी बात कर लेते हैं पहले एफ एल इंडिया की तो एफ एल इंडिया अगर हम बात करें इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ प्रायटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट डिलीवर कंज्यूमर एक्शन इंगेजमेंट एंड ट्रांजेक्शन थ्रू रिलीवेंट मोबाइल एडवर्टाइजमेंट मतलब ये मोबाइल एडवर्टाइजमेंट की कंपनियां इट्स अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी और ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी भी है थोड़ा हमें देखना पड़ेगा और अगर हम बात करें यहाँ पर ये यह कंपनी ओके छोटी मोटी कंपनी नहीं है इसके अगर प्रोडक्ट देखेंगे तो आप देखेंगे मोबाइल एडवर्टाइजमेंट जो आपके मोबाइल्स में एडवरटाइजमेंट आती है प्रोग्र प्रोग्रामेटिक एड प्लेटफॉर्म ओके ऐप रिकमेंडेशन प्रोग्रामेटिक ऐप मार्केटिंग तो ये मतलब मोस्टली uh, अगर बात करें तो ये कंपनी किसी से रिलेटेड है एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड uh, कंपनी नजर आती है एक बार इनकी वेबसाइट को विजिट करिएगा और देखिएगा तो इस आर्टिकल में भी इसलिए ही बता रखा था कि इसके फर्दर मतलब एक्सपेंशन नहीं हो रहा है कुछ या फिर बाहर की तरफ एक्सपेंशन नहीं है तो इस चीज को देख के थोड़ा सा इन्होंने डाउनग्रेडिंग यहाँ पर करते हुए नजर आए अब बात कर रहे थे इसके कुछ फाइनेंशियल्स की अगर फाइनेंशियल हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट कैपिटल तेरह हजार दो सौ सत्तर करोड़ मतलब मिड uh, कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी में ही ये कंपनी आती हुई हमें नजर आती है कुछ बड़ी कंपनी नहीं है पहली बात तो इसलिए जब भागती है तो आपको बताइए किस तरीके से भागती हुई नजर आई थी बेहतरीन रिटर्न दिया और जब बात करें गिरने की तो गिरते हुए भी उसी तरीके से नजर आई है तो अच्छा खासा शेयर करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी बात करें आर की तो लगभग फोर्टी के आर पे यहाँ पर कंपनी काम कर रही है डेट की बात करें थर्टी का डेट है कोई शेयर प्लेस नहीं है और अगर हम बात

Uh, यहाँ पर कुछ प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग भी यहाँ पर डिक्रीज करी है और टैक्स रेट सीम्स लो यहाँ पर ये यह सब चीज दे रखी है अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर अगर बात करें यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल देखने बहुत जरूरी है कौन किस तरीके की रेटिंग देता है ओके okay, क्या करता है ये चीज देखना जरूरी है यहां पर अगर फैक्ट्स चेक करें हम तो सेल्स देखिए कंटिन्यूअसली यहां पर सेल्स बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी और अगर बात करें पिछले तीन क्वार्टर की तो हाईएस्ट आइवर सेल्स नजर आई है ओके पिछले क्वार्टर से कम है बट ईयरली बेसिस पे हम काउंट करते हैं तो ईयरली बेसिस पे आपको लगभग सेवेंटी एटी परसेंट पर सेल्स में जंप नजर आएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें ईयरली बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पिछले तीन साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाइएस्ट आइवर है और यहाँ पर इस बार की बात करें नेट

करोड़ से लेके 130 हो गया है यहां पर थ्री टाइम्स होता हुआ नजर आ रहा है ये आ, कंसिस्टेंसी नजर आ रही है नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट 28 करोड़ का 130 फाइव करोड़ रुपीज हो गया है तो ये यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी नजर आ रही है मतलब आपको नेगेटिविटी कहाँ दिखाई दे रही है कि किसी ने भी रेटिंग दे दी इट इज इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हो अगर बात करें रिजर्व की रिजर्व अच्छे खासे है छह करोड़ के रिजर्व पिछले चार तीन साल में तीन करोड़ के रिजर्व हो गए बोरिंग की बात करें एक करोड़ की बौरेंग है बोरिंग इन्होंने ले रखी है नो डाउट बट इनके पास इतना कैश है कि बोरिंग को जब चाहे तब चुका सकते हैं ओके फिक्स एसेट की बात करें वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मतलब अपने आप में खर्चा भी कर रहे हैं यहाँ पर ओके और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फोर सेवेंटी सिक्स करोड़ रुपीज का यहां पर इन्वेस्टमेंट कंपनी ने और किया है क्या ट्रेड रिसेबल अच्छा खासा है कैश इक्विवेलेंट सिक्सटी थ्री करोड़ रुपीज का कैश पड़ा हुआ है एसेट एसेट इनकी टोटल एसेट बढ़ती हुई नजर आ रही है कैश अगर देखिए अभी अभी तक कोई भी ऐसा ईयर नहीं गया जहां पर नेगेटिव कैश फ्लो और इस बार का जो कैश फ्लो है वो सबसे ज्यादा कैश फ्लो नजर आ रहा है आर की बात करें यहाँ पर थर्टी की आर है अच्छी खासी आर है बात करें यहाँ पर अः प्रोमोटर्स की तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए थोड़ी सी यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है यहाँ पर देखिए सिक्सटी एट दिसंबर में थोड़ी सी कम करी मार्च में थोड़ी सी बट कोई इशू नहीं है जहां

यहाँ पर दिसंबर से मार्च के बीच में यहाँ पर यहाँ पर शेयर लीती हुई नजर आई है तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग कम ही प्राइस पे चल रहा था नोट नॉट एन इशू बट स्टिल अगर बात करें यहाँ पर अच्छा खासे लेवल पर ही उन्होंने यहाँ पर होल्डिंग ले रखी है दिसंबर से मार्च में यहाँ पर से, फिर इन्होंने अगर बात करें यहाँ हिस्सेदारी बढ़ाई है डी आई ने थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पर कम करी है और यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पब्लिक की तो पब्लिक के पास भी ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है फोर की हिस्सेदारी यहाँ पर इस फंड के पास है और अगर हम यहाँ पर से इसे निकाल दें तो केवल आठ के आसपास की हिस्सेदारी ही अः यहाँ पर किसके पास नजर आती है पब्लिक के पास नजर आती है

शेयर को बहुत नीचे लिया है अब फिर दोबारा वो खरीदते हुए नजर आएंगे बहुत अच्छे लेवल पर आपको अब शेयर मिल रहा है यहाँ पर लोअर सर्किट डेफिनेटली लग गया है बट मुझे लगता है कि जैसे ही लोअर सर्किट अभी लगा है तो अपर सर्किट में दोबारा से शेयर को यहाँ पर ऊपर की तरफ लेते हुए जाएंगे तो यहाँ पर Uh, uh, आप ऑर्डर लगा देंगे देखिए बेच तो अभी नहीं पाओगे और मुझे नहीं लगता फ्राइडे मंडे uh, को यहाँ पर लोअर सर्किट पर अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आएगा गैप डाउन खुल सकता है बट लोअर सर्किट नहीं लगता हुआ नजर आएगा ऐसा इतना बेकार शेयर नहीं है और कोई ये पैनिक स्टॉक या छोटा मोटा शेयर नहीं है ओके okay, तो यहाँ पर लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं इस वजह से लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया पहली बात और दूसरी बात अगर हम यहाँ पर और भी कुछ चीजें देख लें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अब देखिए लगभग 32 परसेंट शेयर यहाँ से करेक्ट हो चुका है ओके okay, और आर की बात करें तो ट्वेंटी सिक्स के आर एस आई पे यहाँ पर के RSI पे चल रहा है इसका मतलब है ये शेयर ओवरसोल्ड हो गया बहुत ज्यादा बिक चुका है ओके अब इसमें बाइंग दोबारा आएगी जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको कल की डेट में बताया था पॉलीमेड के बारे में कि यहाँ पर शेयर ओवरसोल्ड हो चुका है यहाँ पर अब गिरावट नहीं आने वाली तो यहाँ पर अगर देखे तो लगभग थर्टी पर के आर पे चल रहा है दो देखिए उतना ही मतलब नीचे आने के बाद फिर दोबारा करेक्ट

तो इसका फिर जो प्राइस बनता है फिर ये 200 हंड्रेड डीएमए के नीचे आ, मतलब 200 हंड्रेड ए के आस पास आ सकता है तो फोर्टी टू हंड्रेड रुपीज तक भी फिर ये आ सकता है बट मुझे नहीं लगता इतना कुछ गिरावट होती हुई नजर आएगी आ, बाकी मंडे को हम देखते हैं कि क्या होता है बाकी ये शेयर इतना बेकार शेयर नहीं है एफ आईस की होल्डिंग काफी बेहतरीन है ओके डी आई एस की होल्डिंग बेहतरीन है पब्लिक की होल्डिंग बेहतरीन है ये शेयर ऐसे बेच के आ, अगर नीचे लाएंगे ना फिर नीचे लाके और खरीदेंगे ये शेयर को मुझे पता है और मुझे और नीचे मिलेगा तो मैं